लाइफ आफ्टर लाइफ, यही एक सीधा साधा जवाब है मेरा कि आज की सेलिब्रेशन यही डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि देर इज़ नो फुल स्टॉप टू लाइफ। और हम कभी कभार ये सोचते हैं कि द सी वर्ड मीन्स द एंड ऑफ योर नैरेटिव, मगर आज ये एक जीता जागता सबूत आपके बीच में है विच सेज दैट यू कैन ट्रांसेंड दैट कर्व वेयर यू आर स्ट्रक बाय दिस लाइटनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के हिसाब यू हैव कैंसर। तो आज हमारे बीच में एक सर्वाइवर है एंड इट शी जस्ट प्रूव्स दैट शी हैज़ द ऑडेसिटी ऑफ लाइफ एंड दैट इज़ व्हाट वी मस्ट सेलिब्रेट, दैट वी as entertainers can share this message with the world at large that today you can make people like Manisha examples to the millions of people there who face gloom when they are told that they somebody of theirs or they themselves are afflicted by this dreaded disease. Mishan ji, aap kya kehna chahenge? Ye kehna chahunga ki jab ye Manisha ke sath Manisha ko jab ye discovery hui ke इस भयंकर बीमारी से भयंकर बीमारी उनके साथ है, उस दिन से लेकर उसके उस पूरे प्रोसेस में, उसकी पूरी जर्नी में एक मित्र की तरह मैं आसपास था। वापस आने के बाद उसकी रिकवरी भी देखी और जब उसने ये डिसीजन लिया कि मैं इसे एक किताब के फॉर्म में लिखकर उन लोगों को हेल्प पहुंचाना चाहती हूं जो कि कैंसर से डरकर जिन्होंने जीना छोड़ दिया है, घबरा गए हैं कैंसर से, और उसको क्या कहते हैं कि हमने एज ए मित्र बहुत एनकरेज किया और बहुत खुशी की बात है कि आज वो किताब जिसमें उसने अपनी उस फाइट को, उस जर्नी को इस किताब में लिखा है, दैट इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड एंड आई एम She's my dear, dear friend, and I'm extremely, extremely proud of Manisha Koirala for, as the book says, healed. That she healed, and she's an example to everybody. Gurshan ji, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर से लड़ रहे हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं। सर, पूछो। सर, क्या कहना चाहेंगे सर गुरशन जी के लॉन्च है जिसमें? I see this book as a celebration of life, a celebration of hope, and a celebration of courage. And that is what this book symbolizes for me, and this is what Manisha today symbolizes for me. Cancer seems to have become the most popular disease world over. That's a way of saying you are not living right.
So it's called a lifestyle disease. Well, we arrived. I think it is time that we discover that it is curable. And we were standing for सबसे पहले तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मनीषा. बहुत हिम्मत चाहिए कैंसर जैसी बीमारी को ओवरकम करने के लिए, और जिस हिसाब से उन्होंने किया है वाकई तारीफ़ी काबिल है. ऑल्सो शी इज़ प्रोवाइडेड टू बी अ इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल, क्योंकि जो इस दौर से गुजरते हैं सिर्फ उन्हीं को पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है या किस प्रॉब्लम से भी वो गुज़रते हैं, कितना पेन होता है या कितना घबराहट होती है. सो टू बी एबल टू गेट ओवर दैट, ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ फैमिली सपोर्ट इज़ नीडेड. डॉक्टर्स, द बेस्ट डॉक्टर्स हैव टू ट्रीट यू फॉर इट. लेकिन जब अंदरूनी ताकत होती है, अंदरूनी हिम्मत होती है, तो कोई भी बीमारी को मात देना ज़्यादा आसान हो जाता है. एंड आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मनीषा टू बी दैट एग्जांपल फॉर पीपल अराउंड. ओके, इसी के सामने मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? कि हिम्मत रखिए, हार मत मानिए, एंड डेफिनेटली यू विल ओवरकम. अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों को, बहुत जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों को एक साथ ये हुआ है. आई थिंक इट्स ऑल्सो टू डू विथ लॉट ऑफ लाइफ स्टाइल. आप क्या खाते हो, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है. सो इट्स मोर ऑफ अ लाइफ स्टाइल डिजीज, एंड आई थिंक होलिस्टिक लिविंग हेल्प्स. जैसे हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको ताकत देती हैं, और वही बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं आज के दौर में जो नुकसान पहुंचाती हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए. आज मॉर्निंग में एक खबर आई, शॉकिंग खबर है, ये भी जो प्रश्न कैंसर का वो इलाज करा रहे हैं जी. इवन आई वॉज वेरी शॉक. जैसे मैंने अभी कहा है कि बहुत सारे लोगों को जिनको हम जानते हैं और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ ये हुआ है. जब हम बचपन से या स्कूल टाइम में गुजरते थे, तब कैंसर जैसी बीमारी होती थी किसी और के साथ, या हम सुनते थे कि किसी और के साथ ये हुआ है. लेकिन अब जिन लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, जो हमारे बहुत करीब हैं, उन लोगों के साथ ये हुआ है. अर्ली दिस ईयर आई लॉस्ट माई सिस्टर इन लॉ टू कैंसर ऑल्सो. सो आई नो हाउ मच प्रॉब्लम द कैमरी फैमिली गोज थ्रू. बहुत हिम्मत चाहिए, और सिर्फ उस आदमी के साथ नहीं जिसको कैंसर हुआ है, लेकिन फैमिली को बहुत सारी हिम्मत चाहिए, एक आसरा चाहिए और एक अंदरूनी ताकत चाहिए, ताकि वो जो कैंसर से गुजर रहा है उनको ताकत दे सके. मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, उत्तर पंजाब को लेके देखिए, सारी इंडस्ट्री एक हो गई थी, लेकिन सेम इशू भी आ रहा है. एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, वापस अभी इसके बारे में ही बात करने के लिए रेडी नहीं है. उसे ओपनली सपोर्ट किए थे सभी ने, इसके लिए क्या कहना है आपको? वापस आज भी पर हम फिलहाल यहीं पर मनीषा जी के लिए आए हैं, तो बात वहीं तक रखते हैं. नमस्कार, थैंक यू. मनीषा जी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन्स. मैंने इनके साथ एक दो फिल्मों में काम किया, और इनके साथ इनकी पहली फिल्म में भी मैंने काम किया, सौदागर में. और मैं उससे बड़ा इनका एज एन एक्ट्रेस तो फ़ैन हूँ ही हूँ, मगर उससे बड़ा फ़ैन मैं उनका एज ए पर्सन हूँ. जो भी ज़िंदगी की जद्दोजहद से लड़ता है और जीतता है, उससे प्रभावित होना स्वाभाविक है, और उसमें मनीषा कोइराला अव्वल नंबर पर आती है. आई थिंक इट्स नॉट ओनली द कैंसर एंड हाउ शी सॉर्ट ऑफ फॉट विद इट. आपका एटीट्यूड डिसाइड होता है जब आप ऐसा कोई मुकाम आपकी ज़िंदगी पर आता है जिससे बाकी लोग हताश हो जाते हैं
लेकिन आज जो है उनकी किताब का विमोचन है तो वो इस बात का एक सबसे एग्जांपल है कि हाउ यू डील विद योर लाइफ। ओके सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई मैं जो अमेरिका में शो करता हूँ उसको, इट्स कॉल्ड आई स्टैंड अप फॉर कैंसर। माय ब्रदर इज़ अ सर्वाइवर ऑफ कैंसर एंड आई फील दैट मेडिकल केयर तो जैसी है वो तो लेंगे ही लेंगे, मगर उससे ज़्यादा है आई थिंक यू हैव टू लिव, यू हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट इट एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। एंड मिस्टर महेश भट्ट इज़ लुकिंग एट मी एंड आई डू नॉट नो, आई कैन नॉट टॉक व्हाइल ही इज एक्चुअली लुकिंग एट मी। व्हाट्स अप? बस क्या मैंने उसको आवाज़ दी, वैसे मेरी आवाज़ नहीं पहुंची तो मैं आ गया। नहीं, मैंने पहुंच ली, मैं अवॉइड कर रहा था। बट साहब इट्स शॉकिंग, बट आई थिंक जिस तरह से ऋतिक ने इसके बारे में ट्वीट किया, इसके बारे में क्या, दैट मीन्स अभी सोनाली देखो, लाइफ इज गिवन टू यू विद वन कंडीशन दैट देयर इज डेथ, बट द वर्ड सी कैंसर जो एक लफ्ज था जिससे लोग भयभीत हो जाते थे और कांपने शुरू कर देते थे, उनको इस किताब से बहुत ही एक हिम्मत हासिल होगी, क्योंकि आज कहीं पर आपके बीच में एक ऐसी हीरोइन है जो एक मिसाल है कि यू कैन सर्वाइव कैंसर। इससे पहले सोनाली इन्यूमरेबल पीपल आर देयर एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बिकॉज लोग को हमें ने अपनी फिल्मों के जरिए कहीं पर यह एहसास दिलाया कि कैंसर मींस एट द एंड ऑफ द लाइफ, लाइफ का फुल स्टॉप ही नहीं होता है, देयर इज लाइफ आफ्टर लाइफ। एंड आई थिंक टुडे वी सेलिब्रेट द रियल लाइफ हीरोइन मनीषा एंड हियर इज द रियल लाइफ हीरो माय फ्रेंड अनुपम। क्या हुआ? मैं निंदा करता हूँ उस शख्स की जिन्होंने ऐसा एक केस दर्ज किया है, क्योंकि अगर आप एक आज़ाद सोच पर यकीन रखते हैं तो हर नागरिक को अधिकार है कि वो उस नैरेटिव से जुड़ें जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और अगर इसने उस नैरेटिव पे बेस्ड एक रोल प्ले किया है तो वो एक उसका एज एन इंडियन अधिकार है। अब इसका फैसला कोर्ट क्या करती है उसका आप इंतज़ार करें, मगर अगर आप फ्रीडम में यकीन रखते हैं तो आपको इसकी निंदा करनी चाहिए। वी मस्ट गिव इवन द पीपल हुम यू डू नॉट एग्री विद द राइट टू स्पीक वट एवर दे फील, मगर सवाल यह है कि क्या अनुपम खेर मुझे वो अधिकार देंगे जब मैं उनके सोच के खिलाफ कोई आवाज़ उठाऊंगा। दैट इज द एविडेंस ऑफ जीता जागता उदाहरण है ये। भट्ट साहब को पूरा हक है मेरी जिंदगी के किसी भी पहलू पर कुछ भी बोलते रहे, ऐसे कोई बात नहीं। धन्यवाद। जिस तरीके से आज मनीषा जी की बुक लॉन्च है, क्या कहना चाहेंगे, कितना मोटिवेशनल ये मोमेंट है आपके लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बेस्ट थिंग अबाउट मनीषा इज दैट शी इज जस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन वन एवर मीट्स एंड दैट लाइफ हैड इन स्टोर फॉर हर काइंड ऑफ अ ट्रेजिक इवेंट ऑफ इलनेस इज वेरी यस सर इज वेरी रेयर एंड स्ट्रेंज, बट एट द सेम टाइम जिस तरह से उसने इसको फाइट किया है, रिकवर किया है, इट्स अ लिविंग इंस्पिरेशन फॉर मी और एंड फॉर एवरीबडी, एंड द फैक्ट दैट इट हैज़ कम थ्रू इन टू अ बुक इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट
joy, because she's put in a lot of effort to then record that kind of her experiences. I think ये बहुत ही ज़्यादा inspirational किताब है और मैं खुद भी इसको पढ़ना चाहता हूँ और recommend करूँगा कि हर आदमी जो सिर्फ बीमारी की ही नहीं but life के बारे में पढ़ना चाहे वो ज़रूर इसको पढ़े। सर और क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों जो लोग कैंसर से लड़ते हैं, जो लोग कैंसर से लड़ते हैं? देखिए क्या होता है कि बीमारियां जब आती हैं स्टार्टिंग में, जैसे पुराने ज़माने में टीबी या कोलेरा या टाइफॉइड, ये सब जानलेवा बीमारियां होती थी जिसके कोई इलाज नहीं थे। कैंसर भी है, आजकल हम लोग सब अलग अलग तरह से उसको फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुछ उसका रामबाण इलाज भी हो जाएगा। और एक बात और है कि किसी भी बीमारी में और ख़ास करके कैंसर में, मैं समझता हूँ कि जो आयुर्वेदिक इलाज का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है जिसको डिस्कवर करना ज़रूरी होता है। ओके सर, इंडस्ट्री से भी बहुत नाम आ रहे हैं जिस तरीके से, जो मैं जाऊँ क्या लास्ट से? हाँ ओके सर, जिस तरीके राकेश रोशन जी का भी आज आया है, उनकी भी खबर आई है कि वो भी कैंसर से पीड़ित हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? दुख की बात है यार, किसी को भी अगर ये बात, बाय सर, बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है अगर पता चलता है कि किसी को कैंसर है, बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है मतलब। एंड मगर ठीक है, ज़िंदगी की ख़त्म नहीं होती उससे, मतलब आई थिंक वो एक नया चैप्टर होता है, जैसे मनीषा ने बताया एक नया चैप्टर होता है आपकी ज़िंदगी का, आप उसको डील कर सकते हो, तो ये कहना चाहूँगा। सर जीरो किस तरह से लगी आपको फाइनली? क्या जीरो जीरो देखी नहीं मैंने अभी तक। थैंक यू सर, थैंक यू। And because we're in a room full of industry stalwarts and people and family and friends that she's worked with over the years, I think I'd like all of you to say a few words about her. So can we start with Mahesh Bhatt, sir? Can you please go on stage? And thank you. On the stage? Yes. Can you stand on the stage? No, we can, sir. You can. I can pop on it. Yeah, you can. Yeah. Audacity. Audacity and more audacity. That's what this gorgeous child means to me. She proves that there is no full stop to life. We filmmakers are guilty of spreading that dread that if the C word is uttered on the silver screen, then doom is assured. But the world has changed. There's a new narrative here which is being ushered by one of our gems, Manisha, in flesh and blood, that you can be afflicted by cancer and then you can swim through the dark night and come out sparkling, looking so gorgeous. Thank you, Bhatt sir, thank you. I think this is a moment for all of us to celebrate this gift of life. It's indeed a privilege to be holding this very special child. She is a unique heartbeat of existence. It's a privilege to be here. Thank you. Thank you, Bhatt sir. Thank you so much. Gulshan, you're next. Yes. Bhatt sir. I remember it was a large film gathering. Mahesh Bhatt Saab's nephew was getting married.
every film star, every director, everybody was there, and walked in Manisha. Bhatt Saab held her hand, took her away, dumped everybody, left everybody. You know, I've had this problem of when I enter, I must get Bhatt Saab's affection, attention, and everything. You know? I said, Bhatt Saab, I says, there's nothing I want to learn or hear from you guys. There is life, there's things about life that I want to hear and know from Manisha. I had to catch up with her. That was his own nephew's wedding with every film person being there. It made such a tremendous impact on me. I've known Manisha, she's a dear friend of mine, dearest friend of mine. The very first day when she discovered that she has this horrible disease and how she traveled and how she fought it and how she came back and had self-doubts of abilities, physical abilities, whether, you know, like having determination and having to fight your physical self are two very diverse things, two very difficult things, you know. So I'm very, very proud of you, Manisha. So happy. Thank you. Thank you. God Thank bless you. Gujar. God Thank bless you. So you. Much. Thank you so Thank much. You. Go on and sat down. And will not be standing with me. It won't be as much fun as you guys. But I think I have nothing new to say except highlight what Bhatt Saab and Gulshan ji just mentioned about beauty. I think I'm not that unique person actually from India that was so crazy about the way you look, Manisha. And yeah, see, there are voices here. And so pretty that you remain so pretty that in itself is very inspirational. And sometimes we get a glimpse into the lives of those people that are indeed so beautiful. Surprised to see what we find there. And I think this book will be a revelation like that, which will give us hope. Which will give us a feeling of strength that only somebody like you can provide because great beauty comes with great responsibility, I feel. I thank you for the effort that you've made, and it's indeed a privilege being here. You know, when you have a lot of speakers speaking before you, then you decide, you think that you have to say intelligent things or much better things than the other people have said. But it's not about them. I personally believe that life is about courage. We all see ups and downs of our lives. It's what makes you special is how you deal with your downs rather than when you feel your ups. My brother is a cancer survivor. And for the last 13, 14 years, and he is the most courageous man in the world, because I remember that when he was being taken at this hospital for the operation, and he looked at me, and I was looking at him, and I did not know how to react to him. And on his stretcher bed, when he looked at me, and he did this to me. And I think that gesture can take away any triumph that I have ever achieved in my life. That one thumbs up gesture, and today I feel the same about you. You have not only healed your life, but I think you are going to heal a lot of people's lives through this book, through your journey. I was in your introductory film, Saudagar. You look much more beautiful than you were at that time. Because life has happened to you. That's why. At that time, it was just a beautiful face. Now it's a beautiful life. Thank you.